नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं हेवल्स स्टार 2000 वॉट्स रूम हीटर के बारे में। दोस्तों, सर्दियों में बड़े काम की चीज होती है रूम हीटर, और बड़े काम का है ये हेवल्स स्टार रूम हीटर जो 2000 वॉट में आता है। दो सेटिंग्स होती है, 1000 वॉट 2000 वॉट दोनों, तो बहुत ही अच्छा रूम हीटर है। अच्छी प्राइस रेंज में हमें मिलता है, 2500-2700 की प्राइस रेंज में हमें मिल जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आप खरीदना चाहते होंगे तो मैं ऑनलाइन खरीदने के लिए उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकेंगे। दोस्तों, इस रूम हीटर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हम इसको अनबॉक्स करें, इतने अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस मिलते रहें। देखें दोस्तों, हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो आप देखें कितनी अच्छी पैकिंग में ये दिया हुआ है। भीतर से भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि थर्माकोल यूज करके इन्होंने काफी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है, और हमें पैक खोलने पर ये मिलता है एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस कम वारंटी कार्ड। इसमें सब कुछ बताया है इन्होंने, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है, इसको यूज करने के तरीके के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, और ये वारंटी कार्ड फिल करके स्टाम्प करके दिया जाता है हमें डीलर के द्वारा। 1 साल की इसकी ऑन साइट वारंटी होती है, तो 1 साल के लिए इसको संभाल के रखना होता है और जरूरत पड़ने पर दिखाना भी होता है। तो दोस्तों, अब इसको हम बाहर निकालकर आपको दिखाते हैं। पूरी तरह अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरह का रूमेटर हमें मिलता है, ये हेवल्स स्टार रूमेटर। देखिए आप, काफी अच्छा डिजाइन है इसका, हेवल्स स्टार। ये पावर इंडिकेटर है, यहाँ पर लाइट चलती रहेगी जब तक ये चालू रहेगा। ये थर्मोस्टेट नॉब है और ये पावर नॉब है। ये फिर देखिए आप सामने की साइड में ये हीटिंग एलिमेंट होता है यहाँ सामने, और अंदर ही फैन होता है जो गर्म हवा आपको पास करके देगा। ये देखिए केबल इसकी अच्छी खासी साइज की है, 5-7 फीट लंबी साइज की है, और 16 एम्पीयर का टॉप इसमें दिया हुआ है। फिर ये हैंडल इसमें दिया हुआ है, इस हैंडल के जरिए आप इसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, काफी आसानी से आप इसको उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा वेट भी नहीं होता है। फिर ये यहाँ पर एक स्टैंड दिया हुआ है, एडजस्टेबल स्टैंड है, इस तरह से इसको रख देना होता है जहां भी आप यूज करना चाहते हैं वहां। ध्यान रहे कि किसी ऐसे जगह पर नहीं रखें जो आग पकड़ सकती है, जैसे लकड़ी की टेबल, हल्का लकड़ी, हल्की लकड़ी हो, मोटी लकड़ी नहीं हो, प्लाई की उस पर, या प्लास्टिक की टेबल जैसे हमने यहाँ रखा है, यहाँ हमने दिखाने के लिए रखा है, यूज करने के लिए प्लास्टिक की टेबल पर नहीं रखें। पेपर, तकिया, ऐसी चीजें जो है जो आग पकड़ सकती है वहां इसको नहीं रखना होता है। फिर दोस्तों देखें आप, तो ये 2000 वॉट में आता है, लेकिन साथ ही इसमें पावर सेटिंग्स हैं दो तरह की, 1000 वॉट पर भी ये काम करता है और 2000 वॉट पर भी ये काम करता है, दोनों पर काम करेगा। ये हीटिंग एलिमेंट जो है इसमें इस तरह की सेटिंग्स है। इसका फैन जो है वो कूल फैन फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप सिर्फ ठंडी हवा चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, गर्म हवा नहीं चाहते हैं तो भी, और गर्म हवा जब चाहिए आपको तो वार्म के लिए आपको 1000 वॉट पर रखना होगा, 1000 वॉट की सेटिंग पर, और ज्यादा गर्म हवा चाहिए आपको तो हॉट पर रखना होगा 2000 वॉट पावर सेटिंग्स पर। दो तरह की पावर सेटिंग्स इसमें दी हुई है। फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट नॉब होती है, ये थर्मोस्टेट नॉब है, यहाँ लो है, लो से आप हाई की तरफ जा सकते हैं, इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप हाइट इसकी। ये आप चाहें तो इस तरह से ऊंचा कर लीजिए, आप चाहें तो इस तरह से रख लीजिए, हैंडल अच्छा है। फिर 1 साल की ऑन साइट वारंटी होती है, काफी अच्छी वारंटी है इसमें। साथ ही ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लंबे समय चलने वाला है, हैवल्स ब्रांड भी बड़ा है और ये प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा होता है। इसमें देखिए आप, तो ये जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और वारंटी कार्ड है इसमें कुछ चीजें बताई है, मैं देख के बताता हूँ। इसमें ये पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है, क्या किसे क्या कहते हैं, ये सब मैंने जो बताई दिया आपको पहले ही, और
ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब का डायग्राम दिया है, पावर नॉब है, इंडिकेटर है, सब कुछ अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है। इसमें एक खास चीज जो है वो थर्मल कटआउट सेफ्टी है। ओवर हीटिंग के केस में जब ओवर हीटिंग होगी तो थर्मल कटआउट सेफ्टी सिस्टम इसमें लगा रखा है, जिससे कि ये कट ऑफ हो जाएगा और रुक जाएगा ताकि नुकसान नहीं हो। इसमें ओवर हीटिंग होगी तो फिर नुकसान होने के चांसेस होते हैं, इसलिए थर्मल कटआउट सेफ्टी सिस्टम से ये रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए रुककर वापस स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। और इसमें नाइट लाइट इंडिकेटर, ये मैंने बताया ही आपको, नाइट लाइट इंडिकेटर है और काफी अच्छे से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सब कुछ इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि कितना वोल्टेज पर रखना चाहिए, 240 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो हम नॉर्मली सभी चीजों को उसी पर चलाते हैं वही है इसमें। और आप इसको सावधानी से इस्तेमाल करें तो लंबे समय ये चलेगा। इसको पानी से बचा के रखना है और मैंने जो बताया उस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहां ये गर्मी से आग पकड़ ले, इस तरह से होता है। और कुछ चीजें यहाँ इन्होंने दी हैं सेम ही है वो भी, तो हमने लगभग इसके बारे में सब बातें बताई आपको। 2000 वोल्ट पर ये काफी अच्छा काम करता है, आपको ज्यादा ठंड में 2000 वोल्ट पर यूज करना है, कम नॉर्मल ठंड रहेगी तो 1000 वोल्ट पर आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है और अच्छी प्राइस रेंज में मिल जाता है, 2500-2700 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं, अच्छा प्राइस आपको वहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको हैवेल्स का 2000 वॉट रूम हीटर के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे और भी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।